नमस्कार, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कैंट गोल्ड वाटर प्यूरीफायर होता है इसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है। लगभग एक साल यूज करने के बाद इसमें हमें काफी चेंजेस मतलब काफी चीजों को बदलना पड़ता है। जैसे कि आपको इसका स्पेयर पार्ट का किट मंगवाना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं फिल्टर होते हैं जो कि 6-6 महीने में बदले जाते हैं। ये आपका UF मेम्ब्रेन होता है, ये UF मेम्ब्रेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कहाँ लगता है, ये आप देख सकते हैं। ये इसको कहते हैं UF मेम्ब्रेन, साइड से दिखाऊंगा इस चीज को कहते हैं। और ये एक और चीज आता है कार्बन ग्रैनुलर, ये जो कार्बन होता है इसको भी बदला जाता है। तो ये सब कैसे किया जाता है तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, डेमो देना चाहूंगा उसका प्रॉपर। तो ये हमारा कैंट गोल्ड वाटर प्यूरीफायर है, इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं, डीअसेंबल कर लेते हैं, एक एक चीज को निकाल देते हैं। तो इसको खोलने से पहले आप पहले ये ढक्कन निकाल देंगे, आपने पहले भी खोला होगा, यूज किया होगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये आपका फिल्टर है जिसे हमें चेंज करना है। देख सकते हैं कितना गंदा हो जाता है ये यूज करते करते, और कार्बन ग्रैनुल इसके अंदर भरे होते हैं, वो हम उसे चेंज करेंगे इसका निकाल के। ये जो पैकेट में है वो इसमें हम डालेंगे, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। और हमें क्या चाहिए चेंज करने के लिए, इसको हटा देते हैं हम, इसको भी हटा देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपका कहलाता है UF मेम्ब्रेन, हमें इसको भी रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने से पहले हम इसे निकालेंगे इसमें से। तो निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरीके का ये जो टूल होता है, जब आपने ये कैंट प्यूरीफायर खरीदा होगा तो उसके साथ ये चीज जरूर आई होगी, जिसकी मदद से हम इसको निकालेंगे। फोर्स देके नहीं निकालना है, इसकी मदद से ही निकालेंगे। देखिए इस तरीके से आपको निकाल देना है, इसकी जगह दूसरा लग जाएगा, दूसरे वाले को सीधा सा आपको इसमें इंसर्ट करना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको यहां से खोल देंगे, इसको घुमा के खोलना पड़ेगा। ये देखिए ये निकल गया, कितना गंदा हो गया ये। ये देख सकते हैं आप कार्बन ग्रैनुलर, ये आप सारे के सारे निकाल देंगे और इसे फेंक देंगे, और इसकी जगह जो नया है वो डालेंगे। तो इसको फेंकते हैं और फिर नया डालते हैं इसमें। अब हमने इनको धो दिया है, अब मैं बताऊंगा आपको असेंबल कैसे करना है। तो ये तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला भाग है यहाँ पे ये फिल्टर लगाएंगे। ये फिल्टर हमने निकाल दिया, इसमें दो पीस होते हैं, दोनों को एक साथ कीजिए और इसमें लगा दीजिए। उसके बाद इसको घुमा के इस पर हम टाइट कर देंगे, इसको यूं करके घुमाएंगे और इस तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसे उल्टा करेंगे और इसमें हम कार्बन ग्रैनुलर डालेंगे, जो कार्बन हमारा ये वाला हमने काट रखा है ये हम इसमें फिल कर देंगे। ये आता ही इसलिए कि इतना ही आता है कि आप एक में फुल कर दें, एक्स्ट्रा कभी नहीं आता। आप सोचें कि अगर ये ऊपर से गिर रहा है तो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा कभी नहीं है। इसमें आपको ये बनाना है कार्बन, यहाँ से डालिए ये आपका पूरा ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत गिर जाएगा वो आप समझ सकते हैं, वो तो वैसे ही गिर जाता है। ये फुल होने के बाद ये आप देख सकते हैं, इससे इस पर आप ढक्कन लगा देंगे, ये वाला इस तरीके से घुमा के टाइट कर देंगे।
देखिए इस तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद ये आपका तैयार हो गया। इसके ऊपर से आप पानी डालेंगे। एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि ये जब डालने के बाद एक बार आप धोएंगे तो धोने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से धोएंगे कि पानी इसके ऊपर डालेंगे और नीचे से निकलेगा, तो इसे उल्टा नहीं धोना। अगर आप उल्टा धोएंगे तो जो नया नया कार्बन है इसका कालापन इसमें जम जाएगा फिल्टर में, जो कि बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस फ्लो में धोना कि पानी इस तब से डालेंगे और इस तब से धो के निकलेगा। अब हमारा एक और काम बाकी है, हमें फिट करना है यूएफ मेम्ब्रेन। जो हमने ये पुराना निकाला था इसकी जगह नया फिट करना है इसके पीछे, तो अब वो नया निकाल के फिट करते हैं। ये देखिए नया है, इसका फ्लो आपको लिखा हुआ, पानी का फ्लो इस तरीके से है क्योंकि इसमें पानी भरेंगे इसमें से निकलेगा, तो आपको इस तरीके से लगाना है। एक और तरीका होता था, ये पतला वाला रहता है वो इसमें जाता है, मोटा वाला इधर रहता है। तो इससे लगाने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इसके अंदर की चीज़ें, इसे पानी में पहले इंजेक्शन से डालना पड़ता है, वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे उसके बाद इसे हम फिट करेंगे। आपको क्या करना है कि एक प्योर पानी मतलब फिल्टर का पानी ले लीजिए या आरओ का पानी ले लीजिए जो भी है, और एक इंजेक्शन, जब आपने ये खरीदा होगा इसके साथ एक इंजेक्शन आया होगा आपके वाटर प्योरीफायर के साथ, ये इंजेक्शन बहुत संभाल के रखना है। इसमें ये पानी लेकर इस मेम्ब्रेन में डालना है, वो भी उल्टे डायरेक्शन में। अगर पानी का फ्लो इधर है तो इधर से इंजेक्शन देना है। तो अब हम इसमें देंगे, देखिए आप ये रहा, और इसको इस तरीके से आपको इंजेक्शन दे देना, पानी बिल्कुल अंदर चला जाना चाहिए। जाने के बाद आपको इसमें लगा देना है। मैं पहले भी बताया था इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सीधा लग जाता अंदर, और ये आपका लग गया। अब आपको इसे वापस असेंबल कर देना है, आपको इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है, ये देख सकते हैं। उसके ऊपर ये ढक्कन, और ये हमने कार्बन ग्रैनुल जो इसमें भरे थे वो डाल देंगे और इसमें पानी भर लेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो पानी आपने एक बार का निकालेंगे वो पानी पीने में यूज़ नहीं करना, उसके बाद से आपको पानी का इस्तेमाल करना है पीने के लिए। तो इस तरीके से आप घर में बैठे बैठे आप अपने कैंड गोल्ड वाटर प्योरीफायर का मेंटेनेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर सो मच।